चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है सुबह से मैं निकली हुई थी घर के लिए, सुबह से मैंने व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट करी थी। और सबसे पहले जो है मैं चली गई थी मम्मी के घर, देन सत्संग चले गए, देन उसके बाद जो है वहाँ पे मैंने एक केक वगैरह जो है वो मंगा लिया था। तो सत्संग से ही जो है एक दो लोग आ गए थे, मतलब सत्संगी थे वो, तो घर पे आ गए थे वो, और साथ में वो आंटी वगैरह जो थे उनके साथ हम लोगों ने केक काट लिया वहाँ पे। मम्मी रेडी थे बस, और हो गया मेरा बर्थडे। तो कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत धूमधड़ाके वाला बर्थडे तो नहीं था, लेकिन यस, मैं पेरेंट्स के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो 30 साल के हो जाएं चाहे वो 40 साल के हो जाएं। तो पेरेंट्स को हमेशा ये रहता है कि नहीं तू कुछ मंगा ले। मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी केक वेक मंगाने का, या मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है या कुछ भी ऐसा करना है। बट मम्मी जो है मेरे पीछे पड़े हुए थे कि केक मंगा काट ले एक बार, ऐसा वैसा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आप लोगों का दिल रखने के लिए थोड़ा सा कर लेती हूँ। देन उसके बाद जो है शाम को मैं घर वापस आई हूँ। अभी मैं मार्केट निकल रही हूँ क्योंकि मेरा दूध जो है, दूध ब्रेड दही वगैरह ख़त्म हुई हुई है, तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। आजकल मैं जैसे मैं बता रही हूँ स्कूटी लेके ही घूम रही हूँ, तो स्कूटी पे इधर से उधर सारे काम चल रहे हैं मेरे। और बर्थडे वाला दिन भी निकल गया है, शाम हो चुकी है। और जब हम छोटे होते थे तब बहुत एक्साइटमेंट होता था यार कि बर्थडे है ये है, या जब बच्चों के होते हैं तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, अपने लिए तो सोचता ही नहीं है कोई आदमी इतना। और आज जो है मैं बहुत सारा अभी सामान लेकर आई हूँ, मेरा सामान आया हुआ था जिनके मेरे को वीडियोस बनाने हैं मेरी सिमसिम ऐप के लिए, तो वो सारा सामान जो है, बहुत सारा सामान मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। है ये है सारा सामान, आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया सामान जो है वो आया हुआ है। तो काया का टोनर है, ये जो है O3 का है, SPF 50 एज लॉक, तो इसमें अभी आधा सामान है अभी आना है। ये भी O3 प्लस का जो है, O3 प्लस का डर्मल जोन पील स्क्रब, ये नाइट क्रीम है, ये जो है ये प्लम का शैम्पू है, और ये कुछ डिस्पोजल बैग्स हैं, और ये जो है ये है बाम जो कि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की है काया। ये सब मैं यूज़ करके और इनके वीडियोस बनाऊंगी, काया इंटेंस क्लैरिटी सिस्टम। ये बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह है, और ये जो है ये है O3 प्लस का सी वीट फेशियल, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आए थे जिसके अंदर ही रह गए हैं और तो ख़त्म हो गए। ये भी O3 प्लस का जो है क्लींजर है, ये मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क है। तो ये सब मेरे को रिव्यू के लिए आते हैं, और रिव्यू के लिए सारे प्रोडक्ट आए हैं मेरे को, और ये सिमसिम ऐप के लिए जो मेरे को वीडियोस वगैरह करनी है, तो सब A1 प्रोडक्ट हैं। ये काया का जो है ये आ गया सिरम, मैं बोल भी रही थी कि मुझे सिरम चाहिए तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे, ये मुझे मिल चुका है सिरम। और ये दोनों प्लम के जो हैं शैम्पू और कंडीशनर, ये दोनों हैं प्लम के। तो ये सब मैंने ही सेलेक्ट किए थे, मेरे को लग रहा था जो जो चीज़ें मतलब खुद से मेरे को चाहिए वो मैंने मंगा ली हैं। और ये प्लम का जो है फेस वॉश, ये तो मैंने पहले भी यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा मस्त फेस वॉश है ये O3। हाँ, तो ये जो है ये भी एक फॉर्म है O3 प्लस का, एक ये फेस वॉश हो गया, दोनों ही जो है ये एक्चुअली फोम होगा। और जैसे पहले मैंने दिखाया था बॉडी शॉप का जो था वो भी फोम था, तो ये उसी तरीके का फोम है और ये फेस वॉश है। तो अभी तो यही वाला सामान आया है मेरा, और ये शायद नाइट रिपेयर क्रीम है, और ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ क्लींजर है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं अभी आए हैं, देन उसके बाद अभी और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। यही चल रहा है, और जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा ले आती हूँ सामान। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गाइज, बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी मुझे कुछ मैसेजेस करते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करते हैं जो उनके पास है मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800 वाला, या फिर मुझे मेल्स करते हैं, बहुत सारा प्यार मेरे पे लुटाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताते रहते हैं। अगर कहीं पर कोई मुझे गालियाँ देता है किसी आईडी से या कुछ भी ऐसा मुझे बताते रहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जो है कुछ एक आईडीज़ मुझे पता लग रही हैं जो कि बिल्कुल फेक आईडीज़ हैं, वो मेरे ही सब्सक्राइबर्स जो थे उनके नाम पे बनाई गई आईडीज़ हैं, जो वो काफ़ी पहले सपोर्ट करा करते थे और करते हैं अभी भी। इवन मैंने ही उनको अभी मना कर रखा है कि आप जो है
अपने उस आईडी से नहीं मेरे को कमेंट करेंगे, उन लोगों ने अपने आईडीज को चेंज कर दिया, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगी कि वो उनके कौन से आईडीज हैं जिनसे वो मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने फिर दोबारा से हाईलाइट कर दिया या बता दिया कि वो जो मेरे सपोर्टर्स थे, वो जो दो तीन जिनका बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, तो अगर मैंने आपको बता दिया कि वो कौन सी आईडी से मेरे को कमेंट कर रहे हैं, तो अगेन जो है उनके ऊपर बहुत सारी फेक आईडीज उसी आईडी से बन जाएंगी और फिर वो उनको परेशान करेंगे लोग, इसीलिए मैं इस टाइम नहीं बता रही हूँ। और रही बात ये कि कुछ एक जो है मेरे हार्ट कोर हेटर्स हैं जो कि काफ़ी गालियाँ देते हैं, जबकि मैंने उनका कुछ नहीं लिया है, ना कि मैंने उनका कुछ खाया है, ना ही मैंने उनके साथ कुछ किया है, तो कुछ एक जो है वो करेंगे ये सब चीज़ें और नई नई फेक आईडीज बनाएंगे, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अभी बना रहे हैं या कर रहे हैं इधर उधर। तो आप लोग जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो इतना प्यार करते हैं, मेरे को पता है आप लोगों को बहुत दुख होता है और मुझे भी समझ में आती है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं, हम छोड़ देना चाहिए उनको, क्योंकि ये कुछ ऐसे मेंटली सिक लोग हैं, इतने मतलब दिमाग से इतने पागल हो चुके हैं, जिनको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही ढूंढनी होती हैं, और वो करेंगे, वो अगर शांति हो रही है तो वो आग लगा के रहेंगे, इधर आग लगाएंगे उधर आग लगाएंगे, क्योंकि उन लोगों को शांति पसंद ही नहीं है दोनों साइड, ठीक है, तो वो आग लगाते ही रहेंगे। तो इसीलिए उनकी आग को और बढ़ावा नहीं देना, मेरी तरफ से कोई बढ़ावा नहीं है। रही बात ये ज़िंदगी जहाँ जो भी अब हो रही है, आगे बहुत अच्छी निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही है, मुझे अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, कहीं जाके मरता है, कहीं जाके रोता है, कहीं जाके पिटता है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अब किसी से, क्योंकि ये फ़र्क जब मेरे को पड़ना चाहिए था बहुत पड़ा, इतना पड़ा कि मैंने अपने आप को 15 साल मैंने ऐसी भट्टी में झोंक के रखा है। जब तक मुझे फ़र्क पड़ता था मैंने सब कुछ सहा, सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे जो है बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो वैसे भी मेरा एक तरह से नया जन्म ही हुआ है और बर्थडे है आज मेरा, तो दिन जो है कई लोग बोलेंगे आपने ये कर दिया, आपने केक कट कर दिया, फलान कर दिया, तो मैं करूँगी और बिल्कुल अच्छे से करूँगी, बल्कि अभी मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं किया है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया है, लेकिन आगे अगर मौका मिलेगा तो हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करूँगी। ज़िंदगी है, मिली हुई है, भगवान की देन है, जिसने दी है किसी के लिए क्यों जाया करेंगे। जो हमारे सगे नहीं हो सकते हम उनका क्या करें, जो रिश्ते हमारे सगे नहीं हो सके उनका हमें कुछ नहीं करना। एक टाइम तक आप रो सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन जो हमारा सगा नहीं है हमें भी कभी कभी अपने लिए सोचना पड़ता है, सेल्फिश होना पड़ता है। यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, यही दस्तूर है, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी अगर किसी के लिए डिवोट कर देते हो, सब कुछ कर देते हो, और तो आपको वो लोग ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे ज़िंदगी भर, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा चिल्लाएंगे भी वही लोग। आपके लिए ज़िंदगी भर उन लोगों ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एट द एंड भी वही चिल्लाएंगे, अरे ये है, अरे वो है। तो अब इन चीज़ों से, इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत ही स्वीट से सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को बहुत सारे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं या बोलते हैं या मेल करते हैं, देखो उन्होंने ये किया, ये फेक आईडीज़ हैं, ये बोल रही है, वो बोल रही है, तो आप बिल्कुल उन चीज़ों के फ़र्क आपको पड़ना ही नहीं चाहिए, फ़र्क डालो ही मत। मैं देखो अपने काम में अब कितना जो है मस्त हो चुकी हूँ, मेरे पास इतना सामान, इतना काम, इतना सब कुछ आता है, तो आता है ना, मुझे पूछ रहे हैं लोग, हाँ भाई आ रहा है, मुझे काम आ रहा है, तो मुझे ये सब करना है, इन सब चीज़ों में ध्यान लगाना है, ना कि नेगेटिव चीज़ों में, कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर मैं इन बारों में सोचने लगी तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ मार्केट से लेकर आती हूँ सामान। तो ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा मैंने एक व्लॉग बना दिया है, और आज बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बताया बर्थडे पे बहुत बड़ा वाला सेलिब्रेशन तो नहीं था, या कुछ ऐसा था भी नहीं, और ना ही मेरा मन करता है ये सब करने का। तो बस मम्मी पापा के साथ थोड़ी देर रहे वहाँ पे, साथ में केक वेक काटा, सब कुछ किया। अब इसके ऊपर भी अगर किसी को बवाल करना होगा तो वो कर सकता है, क्योंकि वैसे भी मेरी हर एक चीज़ के ऊपर बवाल होता है, जैसे सेलिब्रिटीज़ होती है ना, उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बात होती है, उनके ऊपर बवाल होता है, सब चीज़ होती है, तो मेरे साथ भी आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरी छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर बवाल कीजिए, बातें कीजिए, मुझे नीचे गिराने की कोशिश कीजिए, मुझे नेगेटिव बोलिए, मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं ऊपर उठूंगी और उठती ही चली जाऊंगी। ये मेरी जो है स्ट्रेंथ बन जाता है, जब कोई नेगेटिव चीज़ें कह रहा है वो मेरी अब स्ट्रेंथ होता जा रहा है मेरी लाइफ में। तो यही सब चीज़ें जो है मैं सीख रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, कि किस तरह से मेरे को दोबारा से खड़ा होना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यही ज़िंदगी है, आखिर यही ज़िंदगी है। तो चलिए फिर मैं चल रही हूँ और फिर मिलूँगी आप लोगों से, ठीक है, बाय बाय।